नवाज शरीफ को एम्पायर की जरूरत है, मुझे नहीं। इमरान खान की जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एम्पायर की जरूरत है, मुझे नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश हो रही है ताकि एक जैसा माहौल देने का तासर दिया जा सके। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का 7 रोज बाद कचहरी चौक वजीराबाद से दोबारा आगाज। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान ने खुद पर हमले की FIR दर्ज न होने का शिकवा दोहराया। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR रजिस्टर नहीं कर सकता, और अगर ये कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है, मुझे सियासत चमकाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाए, एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। और वो ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं, वो इन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीराबाद में फायरिंग के वाकये से मुतल्लिक भी खुलकर बात की। अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूँ साहब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें, कौम आपकी तरफ देख रही है। लॉन्ग मार्च के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, कचहरी चौक से मुल्का तमाम रास्ते बंद रहे, CCTV कैमरे भी नष्ट किए गए। PTI जुम्मे को गुजरात से लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाएगी। साथी रिपोर्टर तैयब मुगल और शहजाद अकरम के साथ हाफिज शाहिद मुनीर, एक्सप्रेस न्यूज, वजीराबाद।